अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज हमारी थर्ड क्लास है जो होगी बिहेवियर के मुतालिक। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, सीखते हैं कैसे बिहेवियर यूज़ करते हैं कैमटेशिया एडिटिंग के दौरान। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ कोई एक आध कॉल आउट लेता हूँ। ठीक है, इसको एम्प्टी कर लेते हैं। एक और यहां कॉल आउट लेते हैं टेक्स्ट के लिए। यहां इसको ठीक है, ठीक हो गया। यहां मैं कुछ टेक्स्ट इसके ऊपर ऐड करता हूं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये दो हो चुकी है कॉल आउट। ठीक है, तो हम इस पे बिहेवियर देखते हैं कैसे इम्प्लीमेंट होता है। उसको एज इट इज रहने दें। बिहेवियर के सेक्शन के अंदर जाएंगे हम लोग। ये आप लोग इसमें, जैसे ये मैं इसके ऊपर हूवर करता हूँ तो ये मुझे बिहेवियर अपनी एक एनिमेशंस बिहेवियर, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है बिहेवियर। एक प्री मेड एनिमेशन है जो ऑलरेडी कैमटेशिया की लाइब्रेरी के अंदर बनी हुई होती है। ठीक है, हम लोग उसको खुद से भी बना सकते हैं, इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी बिहेवियर्स ये आपके सामने हैं। जैसे ही आप उस पर हूवर करेंगे तो आपको उसका बिहेवियर नजर आ जाएगा कि ये कैसे इसने वर्कआउट करना है। ठीक है, तो यहाँ ये पहली लेते हैं हम लोग, ड्रिफ्ट इसको कहते हैं। ठीक है, एक चीज और इसके बारे में बता दूं कि ये बिहेवियर सवाए ऑडियो के आप लोग सारी की सारी अपनी टाइमलाइन के ऊपर जो जिस तरह का भी कंटेंट है उस पे लगा सकते हैं। आप वीडियोस पे लगा सकते हैं, टेक्स्ट पे लगा सकते हैं, शेप पे लगा सकते हैं, कॉल आउट पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ ऑडियो पे नहीं लगेगा। ये यहां से मैंने इसको ड्रैग किया और टाइमलाइन के ऊपर जहां इसको मैंने प्लेस करना है उसके ऊपर आप इसको छोड़ दें। ठीक है, तो एक प्ले करके देखते हैं। ठीक है, यही इसकी बिहेवियर थी। ठीक है, तो ये क्या करता है एक्चुअली, स्टार्ट में से ये ड्रिफ्ट इन हुआ, यहाँ ये कुछ टाइम रुका और उसके बाद ये फिर ड्रिफ्ट आउट हो चुका है। ठीक है, इसको थोड़ा फॉरवर्ड कर लेते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ इस पे पहली जो है फर्स्ट इसी पे लगाते हैं। ठीक है, चले तो अब हम इसको एडिट करते हैं। एडिट के लिए आप उसके ऊपर आएंगे तो आपको ये शो इफेक्ट नजर आएगा। ठीक है, सेकंड आप उसको यहां से भी आके एडिट कर सकते हैं ये बिहेवियर के अंदर से। ठीक है, ये कंफर्म कर लें कि पहले जो आपकी सिलेक्शन हुई है वो क्या है। ठीक है, मतलब जिसको आप एडिट करना चाहते हैं वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो पहले। ठीक है, उसके बाद ये इसका स्टाइल है जी।
हम इसको चेंज भी कर सकते हैं कि स्टार्ट इन से ये ड्रिफ्ट ना करे, ठीक है। तो इन ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मींस इन आउट के दरमियान जो इसको स्टे दिया जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग। मैं चाहता हूँ इसको यहाँ स्टे दूँ और ये आउट है, आउट के अंदर ये फिर ड्रिफ्ट ही करे। लेकिन अब हमारे पास दो चीज़ें हैं कि इन, तो हमने यहाँ से कॉर्नर से इसने इन किया ऐसे और आउट ये इस तरफ को करके जा रहा है, यहाँ हमारा ऑलरेडी टेक्स्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि ये आउट जो है बॉटम को कर ले। देखते हैं इसको प्ले करके। ठीक है, उसने आउट उसी टाइम कर दिए। तो इस तरह से हम लोग इसका इस प्रॉपर्टी के अंदर से, ये कॉल आउट की प्रॉपर्टी है और यहाँ ये ड्रॉप इफेक्ट है, शेडोज, और ये हमारे पास दूसरी हमारी कॉल आउट है, टेक्स्ट है। हम लोग इस पे भी लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो एट द एंड बात यह है ना कि ये ऐसे समझ लें कि ये एक एनिमेशन की टाइप है। हम लोग वीडियो की एनिमेशन बनाएंगे थ्रू कॉल आउट शेप्स, ठीक है, जिसमें हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो आपका कॉल आउट है ये किस साइड से इन हो, कैसे इन होता हुआ आए, स्विंग होता हुआ आए, ड्रिफ्ट होता हुआ आए, और कहाँ जाके ये स्टॉप करे, कितनी देर स्टॉप करे, उसके बाद किस तरफ को ये जो है आउट हो जाए, ठीक है। तो उसका कलर्स और इसका स्टाइल और स्पीड, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी से, बिहेवियर की प्रॉपर्टी से। मज़ीद इस तरह की नई आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, शुक्रिया। तो फिर ऐसा है कि एक हम लोग और इसको डिलीट करते हैं, हम लोग एक और टाइप की लेते हैं कॉल आउट, ठीक है, ये आ गया। यहाँ फिर हम लोग हो गया जी। अच्छा, इसको हम लोगों ने बिहेवियर लगाना है, ये वाला लगाया था, अब हम लोग इसको लगाते हैं नाउ। इसे रिवील को लगा के चेक करवाता हूँ आपको, ठीक है। हम इस साइड से आइन होगा और उसके बाद इसको थोड़ा फॉरवर्ड करते हैं, इसको प्ले करते हैं, दोबारा, ठीक है। दो तीन चीज़ें और थी जो बताने वाली हैं आपको। मसलन एक तो हम लोगों को अगर ये हमारा बिहेवियर डिलीट करना पड़े तो हम लोग यहाँ से इसको सिलेक्ट करके ऐसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये सिर्फ कॉल आउट रह गया है, ठीक है। कॉल आउट की प्रॉपर्टी
इसका कलर पिछली वीडियो के अंदर मैंने सारा कुछ बताया हुआ है, ये एज इट इज़ ही है। हम लोग सिर्फ बिहेवियर पे बात करेंगे, ठीक है। बिहेवियर ये है जी, ये काफ़ी टाइप के हैं, आप अपनी मर्जी से अकॉर्डिंग टू योर वीडियो एंड रिक्वायरमेंट आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बिहेवियर का इन ये स्लाइडिंग है, आउट इसकी जो है वो भी स्लाइडिंग है, लेकिन साइड कौन सी है इसको मैं टॉप करता हूँ। इन हुआ, कंप्लीट हुई, ये आउट हो गई, ठीक हो गया। और इसमें एक दो एक और चीज़ थी कि अगर हम लोगों ने ये वाली जो हमारी कह लेंगे इसको बिहेवियर है, इसको कॉपी करना हो तो यहाँ से हम लोग इसको कॉपी इफेक्ट करके आगे किसी दूसरे के ऊपर ऐसे राइट क्लिक करके जो है इसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कॉपी इफेक्ट हुआ, इस पे जाके मैं ये पेस्ट इफेक्ट कर देता हूँ, वही वाला इफेक्ट जो था वो हमारी दूसरी कॉल आउट पे इफेक्ट हो जाएगा, अप्लाई हो गया, ठीक है। देखिए वो भी वैसे ही हो चुकी है, ठीक है। डिलीट करना भी आपको बता दिया। और इसके अलावा कॉल आउट तकरीबन फिनिश्ड है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ चुकी होगी सारी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, इश्यू है, किसी को समझ नहीं आया तो आप लोग हमें कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं अपना इश्यू, जो आपको समझ नहीं आया वो पॉइंट आउट कर सकते हैं। कोशिश करूँगा उसको दोबारा आप लोगों को हाईलाइट कर दूँ, ठीक है। तो अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मज़ीद इस तरह की नई आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें। शुक्रिया।